देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में हर व्यवस्था पूरी तरह से बंद है। आवागमन पूरी तरह बंद है, लोग अपने अपने घरों में पूरी तरह कैद हैं। वैश्विक महामारी की वजह से लोगों को समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं। ताजा मामला मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र श्रीनाथपुरम का है, जहां बीटेक के एक छात्र पवन कुमार को अपनी मां के लिए डिप्रेशन की दवाइयां लेनी थी, जो कि मथुरा में नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर छात्र काफी चिंतित था। ऐसे में छात्र ने सोशल मीडिया पर खोजबीन शुरू की और ट्विटर पर पवन ने IRTS अधिकारी प्रशस्ति इनकी मददगार बनी। पवन ने इनसे मां के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने में मदद के लिए आग्रह किया। प्रशस्ति ने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस हेतु से संपर्क साधने को कहा, जिसके बाद पवन कुमार ने ट्विटर पर संपर्क कर अपनी मां की दवाइयों का पर्चा उनको भेज दिया। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भारतीय रेल पवन कुमार की मददगार बनी और भारतीय रेल द्वारा दवाइयां भिजवाई गईं, जिसको NDRF के एक दल को सुपुर्द की गई। उसके बाद NDRF का एक जवान पवन कुमार के घर आकर दवाइयां दे गया। मेरी मम्मी के लिए मेरे को दवाइयों की जरूरत थी, जो कि यहाँ मथुरा के किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल नहीं रही थी। दवाइयां आगरा से आती हैं, तो लॉकडाउन के चलते अब आगरा भी पूरा सील था, तो दवाइयां मिल नहीं रही थी। अब हम भी नहीं जा सकते थे, कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है हमारे पास भी। तो मैं ट्विटर पर एक IRTS ऑफिसर हैं, प्रशांति मैम, उनको फॉलो करता हूँ। फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे को दवाइयों की ज़रूरत है और अगर आप अरेंज करा सकती हैं तो मेरी प्लीज़ मदद करें। तो उन्होंने फिर मेरे को IRTS सेतु से संपर्क करने को बोला। फिर मैंने वहाँ पे अपनी परेशानी बताई और उन्होंने मेरे को अपनी मेरी डिटेल्स मांगी, कहाँ से दवाई आती है और कहाँ तक पहुँचानी है एड्रेस। मैंने उनको वो दिया और उन्होंने फिर बाई ट्रेन दवाई वहाँ से आगरा से पिकअप करी और मथुरा तक ले आए बाई ट्रेन। फिर वहाँ से फिर एक NDRF की टीम के एक मेम्बर ने दवाई मेरे को होम डिलीवरी तक करी है, मतलब मेरे को फूड घर तक दवाइयां मिली हैं। वहीं पवन ने बताया कि इसका उनसे कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया गया, जबकि पवन कुमार ने सेतु के अधिकारियों से कहा था कि किसी भी तरह दवाइयां उपलब्ध करवा दीजिए, कुछ अतिरिक्त खर्चा लगता हो तो वो दे दिया जाएगा। 48 घंटे के अंदर IRTS सेतु द्वारा लॉकडाउन के बावजूद दवाइयों को मथुरा में होम डिलीवरी करा दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन कौशिक की रिपोर्ट।